तो यह आइस आइसक्रीम लाइक करो तो लगता है कि ये पहले पिघलेगी, और यह चॉकलेट आइसक्रीम को सब्सक्राइब करो तो लगता है कि ये पहले पिघलेगी। तो स्टार्टिंग के पूरे 5 मिनट बीतने के बाद दोनों ही आइसक्रीम में थोड़ी सी पावर आ चुकी है। फिर पूरे 10 मिनट वॉक करने के बाद चॉकलेट वाले की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन आइस आइसक्रीम बिल्कुल ठीक है। फिर आइस आइसक्रीम चॉकलेट पर अटैक करती है, उस पर बहुत इफेक्ट करती है, और इसी दौरान हमारे 20 मिनट बीत जाते हैं और चॉकलेट आइसक्रीम की हालत और खराब हो चुकी है। एंड फाइनली पूरे 25 मिनट गुजरने के बाद चॉकलेट आइसक्रीम हार चुकी है और विनर है आइस आइसक्रीम।